ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने दिया था, लेट्स सी, ये दोनों क्वेश्चन पेपर के फेवरेट हैं। पहला वाला नंबर बेस था, नंबर में सिर्फ मुझे मैथ्स आना चाहिए। नाइन, नाइन वैसे बहुत प्यारा नंबर होता है भाई। टाइम्स नाइन्थ टर्म को मैं धैर्य रह क्या लिख दूं, ठीक है, किससे इक्वल्स टू करना है, 14। एक और चार से पांच बन रहा भाई, A1 प्लस 13। यहां तक है क्या कॉपी में गर्वेद? यस सर। उसके बाद अपन बचपन वाला मिस्टेक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर 99D लिख दो, तो 70। अच्छा एक्टिव है अपन, चलो तो यहाँ पर 31 ये लिख दो। अच्छा नहीं सर। यहाँ पर 14 × 13 मतलब 140 और 42 182 लिख दूँ क्या? मैथ्स पास कर, लाइक टर्म एक तरफ करेंगे तो इधर 300 ये लिख दो। क्या लिख बोलोगे ना, बोलोगे ना, मैं तो मजे कर रहा हूँ। इधर में 500 लिख दो, नहीं सर, तो 110। 110। यहाँ से A1 2000 लिख दो, नो तो सर। सेवी भाई यहाँ तो माइनस का 22D आया। हाँ सर, वो मैंने दूसरा कुछ ले लिया था। कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी शहरों में, ज्वेल्स ऑफ इंडिया में रहने वाले का तो पता है कि नहीं। नाउ यू आर लुकिंग फॉर A23, यस और नो? यस सर। सो कैन आई राइट A1 प्लस 22D? यस सर। A1 क्या है? यस तो -22D और +22D, शाहरुख खान रेडी हो गया, एंजॉय। सिर्फ समझना था, और ये आसान है नीचे वाले से, बिकॉज नंबर्स था। सेम क्वेश्चन मैंने दिया लेकिन अल्फाबेट है। अब अल्फाबेट का कैसे सेटिंग करें वो भी देख लेते हैं। अल्फाबेट, जाओ अल्फाबेट से मोहब्बत कर लेते हैं। अल्फाबेट एम टाइम्स, अगेन टाइम्स अल्फाबेट, एम टाइम्स एम एथ। कैन आई राइट लाइक दिस? ग्रेट। एन टाइम्स, कैन आई राइट लाइक दिस? बिल्कुल। मुझे आंसर पता है कि एन प्लस एन जोड़ना है कि नहीं, और इनडायरेक्टली मैं बता दूं, अगर एमसीक्यू होता ना तो शाहरुख खान ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि दोनों में देख लो सेम। लेकिन अगर थ्योरेटिकल आया तो मेरे को ये पता है कि कहीं ना कहीं मुझे एम प्लस एन की वैल्यू ढूंढनी है, तो मैंने इसको साइड में लिख लिया। A m+n ढूंढना है, तो कैन आई राइट A1 प्लस m+n -1 × d? इस तरह से लिख ले, ये यस। वन है हा? इसकी वैल्यू ढूंढनी है कि नहीं? एम और एन का तो मैं कुछ ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी में चल रहा है। मैं ए और बी की वैल्यू निकालूंगा शायद, या फिर हो सकता है मैं इस पूरे की निकाल दूं, जो आएगा वही आंसर है। ग्रेट, ये मामला तैयार हो चुका है। अपन ने लाइफ में ब्रैकेट खोला है अगर, तो क्या ये ऐसी कहानी बन सकती है? यस। थोड़ा सा स्मार्ट बन रहे हैं, डायरेक्ट गेम खेल रहे हैं, तो क्या ऐसा फील आ सकता है? सबको पलट दिया, पलटने से इज्जत आ गई। A1 कॉमन लिया भाई, यस और नो? इधर मोहब्बत कराया, D कॉमन लिया, थोड़ा मेहनत किया और उसको एक्सपेंड कर दिया, यस और नो? इन दोनों को मेहनत कराया, -D कॉमन लिया, यस और नो? सर मुझे M-N चाहिए था, M-N चाहिए था, M-N चाहिए था, तो D लेना पड़ेगा माइनस में। इसका फायदा क्या मिला? ये देखो सबके पास M-N है, अंदर माल क्या बचा? A1 प्लस D। यहां पर M+N लिखोगे और यहां पर -D लिखोगे, इज इक्वल्स टू शाहरुख खान चल रहा है, इसको पटकनी दे दे, इसको पटकनी दे दे,
अब आ जाओ A1+। मेरा मकसद था यहां आने का, क्या मैं यहां से डी कॉमन ले लूं? डी कॉमन लेते ही माल अंदर ऐसा बचा, यस और नो? इसकी वैल्यू क्या चल रही है, यही तो ढूंढ रहे थे। तो इसकी जगह शाहरुख बैठा दो और पार्टी कर लो। 1000% स्टैंडर्ड के लिए, दिस इज बेसिक के लिए कंसेप्ट देखो। आपका फॉर्मूला अभी तक एक ही चल रहा है, यस और नो? लेकिन अल्फाबेट की इन्वॉल्वमेंट आने से किसी भी क्वेश्चन में हमने देखा है, हमें टाइम है उसका एनहांसमेंट कैसे करें। वी नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑफ क्वेश्चन। इज इट क्लियर सेवी भाई?